हाय विजय, आज आयुर्वेदा मॉर्निंग। डियर फ्रेंड्स, मैं दीप्ति तेंदुलकर गोवा से सबका स्वागत करती हूँ इस जूम मीटिंग में। फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी अगर आवाज आपको आ रही, थोड़ा हाथ हिला सकते हैं? जी जी थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कल हमारा बहुत अच्छा सेशन हुआ था, चेतन सर ने लिया था। वैसे ही आज एक बहुत शानदार सेशन होने जा रहा है, जो इसका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, वो है 2 मिनट में प्रोडक्ट नॉलेज। जी, तो इसके रिगार्डिंग आप बहुत सभी आप एक्साइटेड होंगे ही। तो मुझे उसी के साथ विश्वास भी है कि आपने डायरी और पेन आप लेकर रखे हैं, और ऑलरेडी आपने लिंक भी अपनी साथियों को भेजा होगा। तो फ्रेंड्स, आपकी एक्साइटमेंट से और जोरदार तालियों से हम बुलाते हैं हमारे एमडी सर को। एमडी सर, प्लीज आइए सर। थैंक यू वेरी मच दीप्ति मैम, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसा कि दीप्ति मैडम ने बताया कि कल का सेशन बहुत शानदार हुआ और आज का सेशन भी बहुत शानदार होगा, और आज के सेशन में हम लोग जो है कुछ बात करने वाले हैं 2 मिनट में प्रोडक्ट का नॉलेज। हम दो किस्म से प्रोडक्ट के ऊपर इस जूम में बात करते हैं। हर शुक्रवार को हम टेस्टिमोनियल पे बात करते हैं, और हर सोमवार को हम लोग किस पे बात करते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी के ऊपर बात करते हैं, कोई एक या दो प्रोडक्ट को लेकर। लेकिन इसी कड़ी में आज के दिन हम लोग, अगर इसको हम और यूजफुल मानेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, तो एक प्रयोग के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि हम कैसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल थोड़े से टाइम में किसी व्यक्ति को बता सकते हैं, और ये हमारी सक्सेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं एक कहानी नहीं बोलूंगा इसको, एक सच्ची जो घटना है जिसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, मूवी बनी है, बिहार के गया से एक व्यक्ति की कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप मैक्सिमम साथी इसको जानते हैं, यह है माउंटेन मैन दशरथ मांझी की कहानी, और उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। साहब, उन्होंने पहाड़ तोड़ने के लिए, उनको ये हो गया, उनकी पत्नी का ये हो गया, बहुत सारी स्टोरी है। लेकिन एक स्टोरी यह है कि एक साधारण इंसान जिसके पास बहुत सारा कुछ नॉलेज नहीं था, उसके बावजूद भी उसने एक पहाड़ तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? रोज एक एक दो दो पांच पांच दस दस पत्थर हटाते 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 हटाते, फिर लोगों को साथ इंस्पायर करके, लोगों को मोटिवेट करके, अपने साथ लेके धीरे 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 एक पहाड़ तोड़ के दो गांव के बीच में जो है एक रास्ता बना दिया। ये एक सच्ची कहानी है। हर कोई हम में से बहुत सारे लोग वहां पे गए हैं, हमने देखा है, मूवी में तो मैक्सिमम लोगों ने देखा है, लेकिन सच में भी जाके इस चीज को हम लोगों ने देखा है कि गया में जो है गहलर एक जगह है जहां पर दशरथ मांझी ने एक पहाड़ को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? एक दिन में नहीं तोड़ा। करत करता ब्यास के रसरी होत जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। इसी इसी चीज के ऊपर आगे बढ़ते, रोज एक पत्थर, रोज एक पत्थर, रोज एक पत्थर, रोज एक पत्थर करके उन्होंने जो है पहाड़ को तोड़ दिया। आज का जो हम प्रोडक्ट के ऊपर जो 2 मिनट का नॉलेज की जो बात कर रहे हैं, वो मैं आपको बता सकता हूं इधर से, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं उस चीज को, क्योंकि जो व्यक्ति के पास, देखिए दशरथ मांझी एक साधारण इंसान था, बिल्कुल साधारण इंसान, गांव का, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं इंसान, लेकिन उसके बावजूद भी एक कमिटमेंट के साथ कि मैं इस गांव पहाड़ को तोड़ के एक रास्ता बना दूंगा, और बना दिया। आज आज सब लोग जानते हैं बन गया। तो उसी रूप में अगर हमको हमारे प्रोडक्ट का नॉलेज है, इस बिजनेस में बहुत सारे साथी सिर्फ 2 से 3 महीने में सिल्वर रॉयल्टी पे चले जाते हैं, 1 साल में जो है डायमंड तक चले जाते हैं, बहुत सारे साथी 4 से 5 साल तक नहीं जाते हैं, उन दोनों में बेसिक डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा और हमें भी सीखना पड़ेगा, और हमारी टीम में हम वो लोग क्रिएट करें जो 2 3 4 महीने में सिल्वर डायरेक्टर पहुंचे, क्योंकि ये जरूरी है कि हम हमारी टीम की धारा को जो है उस रूप में करें। तो उसमें एक चीज आती है कि उसका व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, और एक आता है प्रोडक्ट का नॉलेज। और प्रोडक्ट का नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी बड़ी सी बही लेके बैठना है या बहुत सारा बुक्स खोल के बैठना है, एक एक चीज पढ़ना है। जैसे मानगोल के सैकड़ों बेनिफिट है, लेकिन क्या आपको दो चार वो बेनिफिट पता है जो सबसे ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है? लिप 2000 हो गया हमारा, ब्रिंगराज कैप्सूल हो गया, एलोवेरा हो गया हमारा,
मोरिंगा गोल्ड हो गया, स्पाइरुलिना गोल्ड हो गया, तुलसी हो गया, एग्रीकल्चर के हमारे चार प्रोडक्ट आते हैं, हमारे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं, क्या उनके हमको एक एक दो दो तीन तीन ऐसी यूएसपी पता है उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप इमीडिएट कोई पूछे कोई व्यक्ति की इस फोन की क्या खासियत है, और मैं इसकी बता दूं कि इस फोन की ये खासियत है, तो ऐसे ही इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है उसको उठाते ही हम लोग उस खासियत को बता देंगे, इस प्रोडक्ट की ये खासियत। बहुत सारे साथी मैं देखता हूं कि उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन बना रखे हैं, अपने किस्म से टीम में जाके प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, पूरी रिसर्च कर करके लिख के उस चीज को करते हैं, और कुछ साथी हर बार कोई भी व्यक्ति उनसे टकराया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं इसमें क्या ले सकता हूँ, वो अपने सीनियर को या कंपनी को पूछते रहते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है, एक सीख के सिखा रहे हैं, एक उसी लेवल पे है वापस से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में ज्यादा इनकम आए, सक्सेसफुल रूप में हम लोग हों, हमारे को लोग जाने, क्योंकि इसको मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, अगर जवानी में काम नहीं करोगे तो बुढ़ापे में आपको जो है आंसू बहाने पड़ेंगे, बुढ़ापे में आपको कोई रेपुटेशन नहीं देगा। तो हमारे लिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि हम सीखें और सिखाएं। तो आपसे मैं आज सुनना चाहता हूं कि किसी भी प्रोडक्ट का आप बोल सकते हैं, हमको ध्यान ये रखना है कि वो पर्टिकुलर टेस्ट नॉलेज को हमें रिपीट नहीं करना है। मतलब मानगोल के बारे में 100 जानकारियां हैं, लेकिन एक साथी अगर बता रहा है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको हम रिपीट ना करें। तो दो जानकारी बता दिया, किसी एक एक प्रोडक्ट की एक बता दी, दूसरे प्रोडक्ट की एक बता दी, तो ऐसे जो है वो बहुत सारी जानकारियां आपसे हम सुनना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सारे साथी जो नहीं बोलते हैं उनसे मैं बोलूंगा बोलना शुरू करो, है ना, बोलेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इस बिजनेस में अगर 6:30 बजे आके आप बैठ रहे हैं तो बोलना भी शुरू करो, बताना भी शुरू करो, सुनना भी, सुन तो रहे हैं आप लेकिन अपनी बात को बोलो। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं, और आप ये सोच के कि मैं लीडर हूं, मैं पहला मेरा दिन शुरुआत कर रहा हूं, आज मेरे को जूम में मौका मिल रहा है, बोलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत लोग बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो आगे भी बढ़ रहे हैं, वो नियमित रूप में आ रहे हैं, उनके लिए उनकी ये पर्सनल जो है अपनी क्लास हो गई है, उसकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंपनी से लिंक आता है उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो इस जूम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि इस जूम को आगे ले जाना मेरा काम है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो नए साथी हैं वो भी अपना हैंड रेज जो है वो करें इसके अंदर, और प्रोडक्ट का नॉलेज जो आपके पास है या जो आज तक नहीं बोले लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज है, बहुत सारे साथियों से कई बार ऐसे सुनने में आता है उनको ऐसे ऐसे नॉलेज है लेकिन बोलते नहीं है, तो बोलना बहुत जरूरी। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर सजन लाल जी से स्टार्ट करते हैं। सजन लाल जी, आप जो है क्या किस प्रोडक्ट के बारे में 2 मिनट अपनी बात बोलना चाहेंगे? माई चार्ज अर्दमानी सर। जी सर। तो सर, तो डेली तो नए नए प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन हम एक चीज बताएंगे, जैसे हम हमारी पत्नी को कान के लिए उनको ज्वेलर्स की जाना था, ज्वेलर्स के यहाँ, तो ज्वेलर्स के उनको लिवा के गए जो है, उन्होंने दिया सामान जो है कान का लिए, और उसके बाद हम भी बैठे थे 2 मिनट, उसके बाद हमने कहा कि ठंडी नहीं पड़ रही है? कहने हाँ ठंडी बहुत पड़ रही है। उनका ठंडी में क्या ले रहे हो? उनका कुछ नहीं। हम कहें हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है ठंडी के लिए, आप सिला जीत लीजिए जो है, बिल्कुल ठंडी ठंडी गायब हो जाएगी। नहीं, आप टेस्टिमोनियल बता रहे हैं सर, मैं टेस्टिमोनियल नहीं सुनना चाहता हूँ। अगर हमें बोले कि शिलाजीत के क्या फायदे, कोई पूछना चाहे तो क्या दो फायदे आप बता सकते हैं शिलाजीत के? सीधा फायदा बताना हमको कि इस प्रोडक्ट की यूएसपी क्यों है, क्यों शिलाजीत कोई भी व्यक्ति को लेना चाहिए? हाँ, शिलाजीत लेने से पहली बात तो ठंडी में इम्यूनिटी डाउन हो जाता है, इम्यूनिटी हमारी बढ़ा देता है, और इसको लेने से हमारे शरीर को ठंडी नहीं लगती है, और उसके साथ साथ हमारे शरीर में कोई भी समस्या है, घुटना दर्द है, कमर में दर्द है, या आपको सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है, ये सब आपको नहीं होगा। बिल्कुल, तो इसको यही कहानी है सर, तो सर्दी जुकाम जिन लोगों को होती है, इम्यूनिटी डाउन होती है, गर्मी नहीं रहती, ठंडा हो जाती है, तो उसमें इम्यूनिटी पैदा करता है गर्मी। तो अगर यौन संबंधी समस्या भी है उसको भी ठीक कर देता है, मतलब ये बहुत ताकतवर चीज होता है, इसको लेने से हमारा शरीर पूरी तरीके से ताकतवर हो जाता है। बहुत बढ़िया, तो सजन लाल जी ने हमको बताया शिलाजीत के बारे में, तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे, है ना, सारे साथियों से, किसको दिया, किसको ठीक हुआ, उसके वो बाद की बात है, वो शुक्रवार को बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है ना। तो कल्पना मैडम को बुलाते हैं एक बार। जी सर, मारी चार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। मारी चार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग में। सर, जो फील्ड में जाते हैं हम, तो उसमें जो लोग बोलते हैं आपका प्रोडक्ट क्या क्या है, कैसे तैयार किया गया है, तो उसमें
मेरा जो नीम प्यूरिम कैप्सूल है हम लोगों का, उसके बारे हाँ में लोग जानना चाहते हैं, तो मैं बताती हूँ कि इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है। पहले उसको आपको जानना पड़ेगा ये किससे बना हुआ है। तो उसमें है नीम, हम लोग की आमला बोलते हैं, और हरितो की बहुड़ा, और गुलंचो किलोई बोलते हैं जिसको। इस 5 इंग्रेडिएंट्स का जो आरोग बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, इसको मिलाकर ये प्रोडक्ट बना गया है। तो इसको यूज करेंगे तो क्या का फायदा मिलेगा आपको, जो नीम हम लोगों का क्या फायदा मिलता है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक गुणों में भरपूर है। तो हम लोगों का ब्लड को प्यूरिफायर करते हैं, और कहीं पे बॉडी में इन्फेक्शन होते तो उसको भी ठीक करते हैं। तो इस 5 इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं नॉलेज लेके उनको बोलती हूँ, और मुझे तो बड़ा फायदा हुआ, टेस्टिमोनियल नहीं बताना चाहती हूँ। तो इसमें मेरा जो अल्सर इन्फेक्शन था नहीं, वो ठीक हो टेस्टिमोनियल गया। फिर बात करेंगे मैडम। तो आपने जो बताई, देखिए नीम प्यूरिम उठाते हैं, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कुछ भी कट गया, छिल गया, फोड़ा फुंसी, उसमें ये काम करता है और दूसरा खून को साफ करता है ना, यस एकदम। सर, जब भी खून वाली कोई चीज आएगी, खून में विकार है, हमारे दिमाग में नीम प्यूरिम आना चाहिए। कहीं भी फोड़ा यस फुंसी, किसी को भी ये हो रहा है बार बार, जो है घाव बन रहे हैं करके, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, नीम प्यूरिम आना चाहिए। बहुत जी सर, शानदार मैडम। क्या बस भर के, क्या सर गाड़ी भर के कहीं जा रहे हैं आप? अच्छा, सेमिनार में जा रहे हैं क्या? सेमिनार है परिया सर का। बहुत बढ़िया, कलकत्ता में सेमिनार है आज जो है, तो हमारे साथी जा रहे हैं, तो जो भी साथी अभी तक नहीं रेडी हुए हैं वो भी चले जाएं, क्योंकि सेमिनार में जो जो हॉल में है वो बिजनेस में है। सैसब रॉय आइए एक बार, सैसब जी। मैसेज साहब मतलब मॉर्निंग सर, जी सर, आज हम अश्वगंधा के बारे में बताएंगे। तो एक जी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है कि अश्वगंधा तनाव कम करते हैं। अश्वगंधा के सेवन से अच्छी नींद आती है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और प्रजनन क्षमता बढ़ाने में मददगार है, ब्लड शुगर के स्तर कम करता कर सकता है, अश्वगंधा गठिया से जुड़े दर्द की कम कर सकता है। बहुत और बढ़िया, बहुत बढ़िया। अश्वगंधा के बारे में जैसे हम में से मैक्सिमम साथी जानते हैं, हमने तो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, लेकिन सारे साथी जानते हैं। पहला, जिन लोगों को भी एंजाइटी जो होती है ना, चिड़चिड़ापन होता है, एंजाइटी है, तो तनाव है, तो उसमें हमको अश्वगंधा देना है ना, उसमें यह तेजो भी काम करता है, लेकिन हम आएंगे उसके ऊपर भी कोई साथी बताएगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा, नींद जिन लोगों को नहीं आती है तो उसके लिए है ना, तो दो बेसिक यूएसपी हो गई। फिर तो आपने बता दिया, घुटनों के दर्द में भी, जितने भी जोड़ों के दर्द है उस पर काम करता है अश्वगंधा। इसके अलावा जो है हमारे क्या बोलते हैं, डायबिटीज में काम करता है, और भी बहुत सारे गुण हैं। लेकिन अगर हम अश्वगंधा देके किसी को, अगर कोई भी व्यक्ति पूछे ये प्रोडक्ट का क्या है, तो हमने बता दिया, तनाव अगर किसी को होता है, एंजाइटी है उसमें, और नींद नहीं आती है, तो उसमें ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। बाकी घुटनों के दर्द में भी, बाकी जोड़ों के दर्द में भी काम करता है, और भी बहुत सारे। बहुत शानदार सर, बहुत जबरदस्त। तो जो साथियों को नहीं पता है, वो अगर इन चीजों को अपनी डायरी में लिख लेंगे, एक एक दो दो चीज, तो आप देखना, आप अगर रेगुलर इस चीज को लिखते हैं, अगले 100 दिन बाद आज जो जहां पे हैं उससे कई गुना आगे होंगे, आप बहुत आगे होंगे। इस चीज को आप मान के चलना, इस चीज को। रजन्या मैडम आइए, एक ऐसी ही यंग लेडी को बुलाते हैं जो इस बिजनेस में, इस जूम के बाद में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ गई। जी मैम, मॉर्निंग सर। जी मैम, सर मैं आज चैंप्स के बारे में बात करूंगी। जी बच्चे को हाइट और वेट बढ़ाने में चैंप्स बहुत अच्छी तरह से काम करती है, और ब्रेन को शार्प करती है, और इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करती है चैंप्स। और बच्चों के हर रहते मिर्गी रोग जो होती है उससे में उसको में भी बहुत अच्छी तरह से चैंप्स कर काम करती है। और बच्चों को जल्दी से जो थकान आ जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, इसके लिए भी चैम्प्स बहुत अच्छी तरह से काम करती है। और इसके रिजल्ट मैं खुद भी हूँ, मेरे बच्चे भी चैम्प्स पीते हैं, और उसकी हाइट और वेट पहले बहुत कम थी, अभी मैं खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ चैम्प्स के पीने बहुत बढ़िया, बहुत से। सुंदर। तो बच्चे की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए हमारा न्यूट्रीबून चैंप्स है, चाहे उनकी हाइट हो, चाहे वेट हो, चाहे मेंटल जो डेवलपमेंट है वो, पहला। दूसरा, बच्चे जो बार बार थकते हैं, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसके लिए चैंप्स बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो ये ऑल ओवर जो है, मैडम ने बताया कि चैंप्स जो है वो कंप्लीट बच्चों के हेल्थ को लेके बनाया गया, स्वस्थ बच्चों के लिए भी, अस्वस्थ बच्चों के लिए, जिनको कि जैसे मिर्गी हो गई या एक और प्रॉब्लम होती है बार बार, कि जो बच्चे
देखिए 2 साल तक का बच्चा तो ठीक है, समझ में आता है, बिस्तर पे पेशाब करता है, लेकिन 4 साल का, 5 साल का, 6 साल, 8 साल का बच्चा पेशाब कर रहा है तो ये डिसऑर्डर है। और उसमें अगर हम चैंप्स और तुलसी को मिला के दे देते हैं तो बहुत शानदार इसके रिजल्ट आते हैं। तो मिर्गी में काम करता है, इम्यूनिटी में तो करता ही करता है। जो बच्चे बार बार रोते रहते हैं, ची 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 पी पी करता रहता है छोटा बच्चा, तो उसका इम्यूनिटी कमजोर है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम उनको न्यूट्रीबोन चैम्प्स रेकमेंड करें। इसलिए मैं बोलता हूँ ये प्रोडक्ट किसी को सेल नहीं करना है। चैम्प्स के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये हर भारतीय बच्चे का अधिकार है कि उसको ये चैम्प्स मिले। अब वो मिलेगा कैसे, जब हमको नॉलेज होगा और हम उस नॉलेज को उनके पेरेंट्स के साथ ट्रांसमिट करेंगे, जब हम उसको बताएंगे। तो हर घर में ये चैंप्स तो होना ही चाहिए, है ना। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम। और ये नॉलेज लेते हुए इसलिए मैडम जो है बहुत जल्दी रॉयल्टी में पहुंची और अब आगे बढ़ रही है, बहुत जबरदस्त। जोहिता मैम आइए एक बार। मैरिचर्स मॉर्निंग सर। जी सर मैम, मैं आज तुलसी के बारे में ही बोलूंगी, क्योंकि ये जी छोटा पैक बड़ा धमाका, ये देखने जी में इतना छोटा है लेकिन बहुत काम है इसका। ये एंटी स्ट्रेस, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी सेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी कैंसर एंड एंटी ऑक्सीडेंट, बहुत हाँ सारा है। मैडम, इतना ही बताओ कि दूसरे लोग भी बता पाए। एक ही प्रोडक्ट का दूसरे लोगों को भी मौका देना है हमको, हाँ ना। सर, और इसका खासियत यही है कि इसमें क्या है, कॉक्स टू जैसा एक स्टेरॉयड है, वो नेचुरल स्टेरॉयड, यहाँ पे हम हाँ लोग जानते हैं कि स्टेरॉयड कोई खास प्रॉब्लम में यूज होता है, इसीलिए तुलसी सबके लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त मैम। तुलसी के तो मेरे आइडिया से हर व्यक्ति को, और किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखे ना रखे, तुलसी के नॉलेज तो, क्योंकि तुलसी के गुण हैं 1000 एक्चुअल में देखा जाए तो, ना। तो यस यस और सर ये, मैंने बहुत सारे बताए जी। और सर ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही यूज कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इसको पीते भी हम लोग, और स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत शानदार। तो और मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि औरों को भी हम लोग मौका देंगे इस प्रोडक्ट का कोई चीज वो बताना चाहेंगे तो मैं थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जोयता मैम बहुत ही शानदार। संजीव आइए एक बार। संजीव जी बिहार से। जी यस सर, मैं एवरी मॉर्निंग सर। सर, हाँ सर, आज हम लिप्टोसरन कैप्सूल के बारे, फायदे के बारे में बताएंगे। लिप्टोसरन जी बताइए। वजन को कम करता है और पीलिया को ठीक करता है और फैटी लीवर में काम आता है सर। बहुत और सर शानदार, लीवर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है बहुत सारी उनमें काम आता है। लेकिन इन्होंने बता दिया कि हमारा एक तो पीलिया जो रोग, जॉन्डिस जो हो जाता है, पांडु रोग जो बोलते हैं, उसमें बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। और दूसरा जो है फैटी लीवर, जो जिन भी लोगों को है उनके लिए भी जो है लिव 2000 हमारा जो है ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त काम करता है। बहुत जबरदस्त संजीव जी, 2 चीजें आपने बता दी बहुत ही शानदार ढंग से। और ये प्रोडक्ट हम लोग, गर्व होता है कि इंडिया में कोई भी लीवर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है आयुर्वेद का, उनमें, क्योंकि एलोपैथ में तो लीवर से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट होते नहीं है ना, वो आपके पूरा खान पान उसी के ऊपर बात करते हैं, आयुर्वेद पे बात करते हैं। लेकिन हमें गर्व की बात है कि इंडिया में यह सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, और इसीलिए हजारों हजार लोग जो है इसको हर महीना यूज करते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त इस प्रोडक्ट की बारे में आपने बताया। अच्छा, जो नए साथी जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा मैं नॉलेज अपडेट कर दूं कि अपने ना मोबाइल को वाइड कर लीजिए ऐसे ना, आपका कैमरा ऐसे आना चाहिए, है ना। तो आपका एक अच्छा वीडियो आएगा, हम लोग देख पाएंगे उस चीज को। दम्बरदुरा, हाँ सर आप आइए। मैं, हो सकता है मैंने आपका नाम का थोड़ा सा, बेहरा जी, हाँ जी मॉर्निंग सर, जी मैं ग्रीन टी के लिए बोला, जिससे जी बताइए। बर्न फैट को बर्न करे, स्ट्रेंथ टीथ और गम्स, रेगुलर ब्लड शुगर लेवल और लोअर कोलेस्ट्रॉल, इम्प्रूव आई साइट, इम्प्रूव स्किन, हाइट एलर्जीज में, बहुत ये बढ़िया। ग्रीन एक टी का तो है काम। कि हमारी चर्बी को बर्न करती है ना, ग्रीन टी जो है वो चर्बी को बर्न करती है। दूसरा जो है आपने बताया कि एनर्जी को बढ़ाती है करके, और बहुत सारी चीजें बताइए। दो को ही मान लेते हैं एक बार, कि चर्बी को बर्न करती है, मोटापे को कम करती है, और एनर्जी को बढ़ाती है। बहुत शानदार, बढ़ाते बहुत जबरदस्त सर। और ऐसे ही बोलते रहिए, है ना। आप पहली बार बोले हैं जूम में? नहीं दे, दो बार है। हाँ, पहले भी बोले, बहुत बढ़िया, जब भी मौका मिले बोलते रहिए, है ना। तो आगे भी बढ़ते रहिए, बहुत शानदार। कविता मैडम आइए एक बार। कविता हल्दार मैरिटेज मॉर्निंग सर। जी मैम,
वैसे तो हमारे माइंड रिचार्ज में बहुत सारे प्रोडक्ट है, बहुत ही यूज है। उसमें एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो मोरिंगा गोल्ड, उसके बारे में मैं बताऊंगी, जी जो प्रिवेंट मेल न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन की कमी से सफर कर रहे उन लोगों के लिए मोरिंगा गोल्ड बहुत अच्छे काम करता है। और इंक्रीज हीमोग्लोबिन, जो जिन लोगों को हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम रहता है, वो अगर नियमित रूप से मोरिंगा गोल्ड यूज करेंगे तो उसके हीमोग्लोबिन लेवल अच्छी अच्छी तरह रिजल्ट आएंगे। थैंक बहुत यू शानदार मैम। में, बहुत शानदार। तो कुपोषण जो हो गया माल न्यूट्रिशन में, छोटे बच्चों में भी होता है, महिलाओं में भी बहुत होता है, उनको पता नहीं चलता है, बहुत सारे सिम्टम हो जाते हैं, आंखें पीली पीली दिखती हैं, स्किन ऐसे एकदम वाइट वाइट सी हो जाती है, रूखी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो उसके लिए जो है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे यहाँ उससे रिलेटेड, लेकिन मोरिंगा गोल्ड जो है वो स्पेशल रूप में काम करता है। अगर किसी को भी खून की कमी, अगर सीधी भाषा में कहें तो दोनों चीजों का अगर जोड़ अगर है, तो खून की कमी जो भी होती है जिन लोगों को, उनके लिए जो है मोरिंगा गोल्ड जो है और बहुत सारे काम करता है। लेकिन मैडम ने दो चीजें बताई कि माल न्यूट्रिशन की कमी और खून की कमी, हीमोग्लोबिन की जिनको कमी है उसके लिए मोरिंगा गोल्ड जो है बहुत जबरदस्त रूप में जो है आप प्रोडक्ट को रेकमेंड कर सकते हैं। दूसरी चीजों के लिए दूसरे साथी बोल सकते हैं मोरिंगा गोल्ड पे भी। बहुत शानदार कविता मैम, बहुत शानदार। राकेश कुमार शाह आइए एक बार, अनम्यूट करिए राकेश जी। मॉर्निंग सर। जी सर, सर मैं ये बताना चाहूंगा, जिनको अगर ठंड लग गया हो या ठंड की वजह से दर्द हो, तो उसमें बाम और नारियल तेल मिला करके, जिसमें तुलसी भी मिला करके अगर मालिश करते हैं तो आराम मिल जाता है। बहुत ये मेरे शानदार। को अगर ठंड ठंड से कोई परेशान है, किसी को ठंडी लगती है, तो तीन तीन जो है नारियल तेल उसके साथ बाम मिला ले और तुलसी, बहुत बढ़िया, बहुत उसमें शानदार, आपने बहुत कॉम्बिनेशन राहत बताया, मिलता है सर। बहुत शानदार। तो ये आपका अपना अनुभव है, तो ये मैं हाँ अपना खुद का यूज किया हूँ सर, 2 दिन हाँ पहले हाँ की बात है। कॉम्बिनेशन भी लिख लें कि जॉइंट प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट है। देखिए इन्होंने जॉइंट करके बता दिया करके, है ना, ऐसे ही बहुत सारा कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर कि ये हमारे प्रोडक्ट का काम करते हैं। दुशासन कॉलिंग मोहंती साउंड जी आइए। मोबाइल। जी सर, अनम्यूट करिए सर। जी सर, हमारी गुड मॉर्निंग सर। जी सर, जी सर, मैंने दुनिया में सर इलाज होने से बेटर सर पहले सुस्त रहना, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट मैंने सुस्त रहने के लिए हमारा जो त्रिफला बारे में मैं बताऊंगा, जिसका कोई प्रॉब्लम है तो खाना जरूरी है, जिसका प्रॉब्लम नहीं भी उनको खाना चाहिए, क्योंकि हमारा आयुर्वेद में सर 3 बीमारी है, वात पित्त कफ। तेणु हमारा शरीर को निरोग रखने के लिए सबको ये यूज करना चाहिए। जिसको कोई प्रॉब्लम है मैंने उनका शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है और हमारा कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करता है, ये त्रिफला का यही रूल है सर। बहुत शानदार। तो त्रिफला के बारे में तो वही बात हम वापस बोलेंगे कि अगर आप माँ से दूर हैं और आपके पास त्रिफला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बताया कि आयुर्वेद का मूल जो सिद्धांत है वो है त्रिदोष को बैलेंस करने में, है ना, और त्रिदोष को बैलेंस करता है त्रिफला, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, कफ हो गया, तो इन सारी परिस्थितियों में जो है बहुत शानदार काम करता है त्रिफला प्रोडक्ट। और माय रिचार्ज का जो त्रिफला है उसके बारे में सिर्फ हमें एक जानकारी रखना चाहिए, मैं ऐड कर देता हूँ आपको। त्रिफला तो आपको बाजार में बहुत सारा मिलेगा, है ना, चूर्ण के रूप में मिलेगा, पाउडर के रूप में मिलेगा, लेकिन हमारा कैप्सूल के रूप में हम देते हैं। दो कैप्सूल ही इतना काम क्यों करता है, उसमें एक तो है 10x पावर, ना 10 का पावर, इसको हमें समझ लेने की जरूरत है सब साथियों को कि हमारे कैप्सूल पे जो 10x लिखा आता है वो क्यों आता है। इसका मतलब ये है कि हमने जैसे 1 किलो कोई चीज ली और उसका एक्सट्रैक्शन निकाल के जब वो 100 ग्राम रह गया, तो उसका अगर कैप्सूल बनाया तो ये 10x हो गया, मतलब 10 का पावर, 10 की घात है वो, है ना, तो इतना एक्सट्रैक्शन करके। इसीलिए हमारा प्रोडक्ट लेते ही आपको कुछ घंटों में आदमी को काम करता है, 3-4 दिन में उसके रिजल्ट आते हैं। इसका रीजन क्या है कि ये 10 किलो को 10 किलो नहीं रखा, उसका 1 किलो कर दिया, है ना, और उससे उससे किया गया। लेकिन दूसरी चीज और है जो हमारे बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और वो जो है टेनिंस होता है, जो त्रिफला में भी होता है, बहेड़ा में भी होता है, तीनों जो त्रिफला के जो है टेनिंस को निकाल के वो कितना परसेंट है। तो बाजार में जितना भी अवेलेबल होता है, मैंने किसी में भी 15% से 20%, एक में मैंने 20% भी देखा है, उससे ऊपर नहीं मिलता है। एक यूके की कंपनी है,
जो इंपोर्ट करती है इंडिया से वो 40% टेनिंस के साथ जो है त्रिफला पाउडर को इंपोर्ट करती है। माय रिचार्ज के त्रिफला पाउडर का भी आप लेबल आज आज देखिएगा मीटिंग खत्म होने के बाद आपके पास जो है उसमें 40% टेनिंस हम लोग जो है यूज करते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके अंदर काम आता है। बहुत शानदार मोहंते जी, बहुत ही जबरदस्त। तो एक एक प्रोडक्ट का जो है आप सारे साथी बताते जा रहे हैं। दीप्ति मैडम से भी सुन लेते हैं। जी मैम। सर मैं आज वेजी जूस के बारे में बोलूंगी जी। जो हाँ कभी भी मैं इसका एक बोलूंगी कि कभी भी भूख लगे तो आपके सामने मतलब पास होना चाहिए एक सैशेट, कभी भी आप ले सकते हैं। दूसरी जो बात है कि वो न्यूट्रिशन है, हम रोज क्या कुछ जूस नहीं कर सकते है, हमारे इंस्टेंट काम करता है, एनर्जी भी देता है, उसके साथ किसी को भी खून की कमी हो वो भी बढ़ाने में, हीमोग्लोबिन भी बढ़ाने में काम करता है सर वेजी जूस। बहुत शानदार मैम, वेजी जूस के बारे में दीप्ति मैडम ने बहुत जबरदस्त रूप में बोला कि ये न्यूट्रिशन है और जब भी आपको अगर कुछ भी नहीं है भूख लगी है तो इसको पी लीजिए। और इसका रीजन क्या है कि हमारा नेचुरल जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज को हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है वो है सब्जियां, फल भी दूसरे नंबर पे करती है। सब्जियों का जो न्यूट्रिशन है उसको हमारी बॉडी सबसे ज्यादा जो है एक्सेप्ट करती है। तो इसका बेनिफिट आपने बता दिया कि खून की जिनको कमी है उन लोगों के लिए जो है वेजी जूस बहुत अच्छा है। आपको अगर कहीं कोई चीज लगता है कि भूख लगी है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मैं मैडम सिर्फ आपकी बात में एक और चीज जोड़ना चाहता हूं जो कि उसमें है नहीं लेकिन मैं ये सब्जियों के ऊपर ही उसका कुछ स्टडी करके, हमारा जो कोलेजन है मतलब हमारी स्किन को जो यंग बनाए रखता है वो सब्जियों में, हर सब्जी में महत्वपूर्ण होता है। इसमें जितनी भी सब्जियां हमने यूज की हैं 6 किस्म की, वो 6वीं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो जो थोड़ा यंग दिखना चाहते हैं वो क्या करते हैं, बार बार जूस की दुकान पे जाके जूस पीते हैं ना, है ना, ये उसका रीजन। तो वो चीज जो है आपकी पॉकेट में ही कंपनी ने दे दिया है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत शानदार दीप्ति मैम, बहुत जबरदस्त। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुलदीप मिश्रा जी आइए एक बार। जी सर, मैच हजार बदमानी। मैच हजार बदमानी सर, एलर्जी किसी भी किस्म की हो किसी भी व्यक्ति को, तो एलर्जी में सर अपना अगर स्पाइरुलिना गोल्ड और माय तुलसी दिया जाता है तो उसका सर बहुत जबरदस्त लाभ मिलता है लोगों को। तो एलर्जी किसी भी किस्म की, तो एलर्जी में सर हमने यूज करवाया है और उसमें देखा है उसका रिजल्ट कि स्पाइरुलिना गोल्ड और माय तुलसी दो चीजों को देने से ही मात्र किसी भी किस्म की एलर्जी हो तुरंत के तुरंत कवर कर। बहुत जबरदस्त सर। तो एलर्जी वाला अभी तो एलर्जी जो है ना वो कॉमन हो गई है, कुछ ना कुछ एलर्जी किसी को हो ही जाती है और ये दो प्रोडक्ट यूज करने से आपको मैक्सिमम इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, तुलसी और स्पाइरुलिना गोल्ड। स्पाइरुलिना गोल्ड में क्लोरोफिल होता है ना, नेचुरल जो क्लोरोफिल जो होता है जिसको कि हम लोग खा सकते हैं, पौधे जो बनाते हैं पूरा, तो ये पूरा रिजुविनेट करता है। क्लोरोफिल का काम है पौधे को रिजुविनेट करना, तो हमारी स्किन में भी वही काम करता है। तो जैसे रिजुविनेट करेगा तो जो हमारी एलर्जी वाला पोर्शन है उसको वो हटाता है बाहर में। और दूसरा तुलसी, तुलसी तो अडेप्टोजन है, तुलसी के तो गुण हजार जैसे हमने बताया, तो और भी साथी बताएंगे। तो बहुत शानदार कुलदीप जी, आपने एक पर्टिकुलर जो है इसके ऊपर दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन पे बता दिया कि भाई जिसको एलर्जी है वो हमारा स्पाइरुलिना गोल्ड और तुलसी इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। चिंतामणि मुंडा मैडम आइए। चिंतामणि मैम। मॉर्निंग मैम, मांगोल के बारे में बताऊंगी। कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक्स है और सभी उम्र की के लिए सही ड्रिंक है ये खिड़की माने ये हड्डियों को मजबूत करता है, फैट चर्बी को झड़ाता है और आर्थराइटिस और स्पॉन्डलाइज सभी के लिए फायदेमंद है ये। कोकोम आमला नोनी और ग्रीन टी और अंगूर सभी चीजों से तैयार है ये।
बहुत शानदार मैम, यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि आपने तो पूरा स्टडी कर रखा है और पूरा लिख के भी उसको रखते हैं उसके ऊपर। तो एक तो बहुत सारे कई बार जो है ना, जैसे हमने कुछ भी इसका डाला कि ये लेडीज के महिलाओं के ये बीमारी में या इस कंडीशन में काम करता है, तो कुछ लोग पूछते हैं क्या इसको जेंट्स भी ले सकते हैं, फिर कुछ लोग पूछते हैं क्या बूढ़े भी ले सकते हैं, क्या बच्चे भी ले सकते हैं। तो ये चिंतामणि मैम ने बताया कि ये कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक है फिर फॉर होल फैमिली, मतलब छोटे बच्चे से लेके कि किस बच्चे को दे सकते हैं। भाई हमने तो हमारे घर में जो है दो दो साल के बच्चों को खूब दिया है, इसको दो से भी पहले एक को तो दिया है और उसका एनर्जी देखते ही बनती है बहुत जबरदस्त रूप में। मैं तो फील करता हूँ उसका कि उसकी वो एक ऐड आता था ना कि ओ रुक भी जा भाई, बोलो पापा जी पेट्रोल खत्म ही नहीं होता, तो ऐसे उसकी एनर्जी इतनी रहती है, इसको मैंने महसूस किया है। तो मानगोल की एक तो हमारा कंप्लीट हेल्थ ड्रिंक है, मतलब एनर्जी से लेके हर चीज से लेके। फिर आपने बताया कि आर्थराइटिस में नहीं, सारे दर्द में ही हमारा मानगोल काम करता है क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिशन है बॉडी में, 5% माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए और वो हमारे खाने में है नहीं एक्चुअल में, तो उसके लिए मानगोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम माइक्रो न्यूट्रिशन के लिए मानगोल पिलाएं। बाकी तो बहुत सारी चीजें और साथियों ने भी बताया, बहुत शानदार चिंतामणि मैम, बहुत जबरदस्त। और ऐसे ही और आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, बबीता मैडम से पूछते हैं थोड़ा और, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे नॉलेज हैं, आप सारे साथी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात। जी सर जी, जी मैम, चिंतामणि मैम ने जो अभी बताया मानगोल के बारे में, तो उसके साथ वुमेन प्रोटीन उसको अगर ऐड करके अगर अपन लेते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। जो बीपी है, शरीर में जो कमजोरी, इंस्टेंट जिसको बोला जाता है कि एकदम शरीर में एनर्जी नहीं है, पड़े हैं बिस्तर पर, इन दोनों को अगर साथ में लेते हैं और साथ में तुलसी भी ऐड कर दें, लेने से इंस्टेंट खड़े होकर के शरीर के अंदर इतना एनर्जी पावर लेवल बढ़ जाता है कि उसका कोई कहना नहीं है, बात नहीं है। तो लोगों ने जैसे वापस रिप्लाई भी पूछते क्या बात है, अभी तो बिस्तर पे पड़े थे और अभी इतना एनर्जी लेवल कहाँ से आए। जी, तो उस जगह बताने में बहुत आसानी रहता है कि वुमेन प्रोटीन, मांगोल और तुलसी लेने से ये तुरंत इंस्टेंट काम हो गया। और प्लस एक जवान दिखने का, जवान जो दिखता है चेहरे पे जो ग्लो आता है उसका कोई ये नहीं। लोगों के पास सामने कमेंट भी रहता है कि क्या बात है, दिनों दिन आज तो जवान दिखते रह रहे हैं। बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। बबीता मैडम ने निचोड़ बताया है तीन प्रोडक्ट के साथ, देखो दो दो चीजें बताई, एक तो है कि बार बार जो थकान होती है उसमें जो है आप क्या प्रोडक्ट दे दें, एक मानगोल दे दें, एक हमारा विमेन प्रोटीन, महिलाओं के बारे में बात कर रही है वो, और एक तुलसी दे दें, है ना, तो एनर्जी जो डाउन होती है वो नहीं होगी। ये इन्होंने अपने ऊपर लागू किया, फिर ये हर एक, बहुत सारी लेडीज जिसको ये प्रॉब्लम मिलती है इनको, इनके पास रिजल्ट है उसका, तो उसको बात करते हैं। अब प्रोटीन का तो हम लोग, मानगोल के बारे में तो हमने बात कर ली, प्रोटीन के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि हमारे अगर नाखून नहीं बढ़ रहे हैं तो प्रोटीन लेना है, बाल नहीं बढ़ रहे हैं या झड़ रहे हैं तो प्रोटीन लेना है, हमारा स्किन को अगर और बेटर ब्राइटर हमको बनाना है तो हमको प्रोटीन लेना है, तो पहला चीज ये होगी। दूसरा है कि आपको जवान अगर दिखना है तो ये महिलाओं के लिए कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया कि मानगोल, विमेन प्रोटीन और तुलसी अगर आप ले रही हो तो आप यंग भी दिखेंगे, आपका कोलेजन जो है वो तीनों प्रोडक्ट बढ़ाएंगे। विमेन प्रोटीन का मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिशन और वाइटामिन इसके अंदर शामिल किए गए जो हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ कि आपने देखा होगा कि पहले बहुत, अब तो थोड़ा सा कम आने लग गए हैं, लेकिन अब भी रूरल एरिया में बहुत आते हैं और महिलाओं में आते हैं, भूत घुस जाता है ना, जो भूत घुस जाता है ना उसका इलाज हमारे पास तुलसी और विमेन प्रोटीन है ना, और मानगोल भी है खैर। तो ये भूत क्या है, माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और माइक्रो न्यूट्रिशन की बहुत थोड़ी सी मात्रा की जरूरत होती है, उस डेफिशिएंसी को करते भूत भाग जाता है, जिंदगी भर उस घर के आसपास ही नहीं आता है कभी भूत। तो इसलिए जवान अगर आपको दिखना है और आप चाहते हैं कि एनर्जी आपकी बनी रहे, तो तीन प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन जो है बबीता मैडम ने बता दिया जबरदस्त रूप में, बहुत ही जबरदस्त, और लोग उनको बोलते वही बताती हैं वो, है ना, कि भाई आप भी बहुत एनर्जेटिक दिख रही हो, बहुत यंग दिखने लग गए, तो उन्होंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया उसको। सोमेन भौमिक आइए एक बार, सोमेन जी। मॉर्निंग, आज हम बताएंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर।
तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है क्रॉपून 85, क्रॉप बूस्टर और प्लांट प्रमोटर एंड कवच, तो ये चारों कॉम्बिनेशन एक पौधा को मैंने ठीक तरह से बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। पहले तो बताएंगे कंपनी का सबसे बेस प्रोडक्ट है क्रॉपून 85, जिसमें 80% सिलिकॉन है। वो स्प्रेडर का काम करता है, वो अगर मिट्टी में भी मतलब गिर जाएगा तो मिट्टी को भी मतलब थोड़ा स्प्रेड करने में मदद करेगा, मिट्टी में पानी को जो धरने का क्षमता है वो भी बढ़ाएगा। उसके साथ साथ कोई भी कीटनाशक और जो विटामिन अगर स्प्रे करेगा उसके साथ, वो क्या है पूरा मतलब सिरा सिरा उपसिरा में वो लेके जाएगा और जो काम का क्षमता है उसको भी बहुत बढ़ा देता है। उसका बात है जो क्रॉप बूस्टर, पौधा को हरा भरा और चलिए नंबर वाइज बात करते हैं। सोमेन जी एक बार आपकी बात को रिपीट कर लेते हैं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, आपसे चारों का ही सुन लेंगे क्योंकि ये कम लोग बोलते हैं, आपका बहुत एक्सपर्टीज है। आपने बहुत सारे चासी को जो है, चासी किसान को ना बंगाली में बोलते हैं चासी, है ना, तो मैं बहुत सारी भाषाओं में सीख, गुजरात में खेडूत बोलते हैं, तो अलग 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 नाम हो गए। तो क्रॉप बून 85 जो है हमारा, उसकी क्या क्या खासियत है? इन्होंने बहुत सारी खासियत बताई, दो पकड़ लेते हैं। एक तो जमीन की नमी को बनाए रखता है, मतलब जहां पे पानी की थोड़ी कमी होती है, बार बार जो है पानी देना पड़ता है, तो उसमें अगर क्रॉप बून 85 यूज कर रहे हैं तो हमारे को पानी थोड़ा कम देना पड़ेगा पहला। और दूसरा है कि इसमें 80% जो है सिलिकॉन है, तो सेपरेट रहे है ना, पानी के टुकड़े कर देता है, कितने, एक बूंद के कई लाख टुकड़े कर देता है, दो पांच दस बीस नहीं, लाख नहीं, कई लाख, मतलब इतना छोटा कर देता है कि ये मिला के अगर हम पत्ते पे छिड़क दें तो फ्रंट पे आप छिड़कना और आप पीछे से पत्ता देखना, पूरी पत्ती पे पीछे भी पानी चला जाएगा इतनी देर में, मतलब इतना छोटा कर देता है कि पानी हर जगह फैल जाता है। अगर ये किसी भी चीज में मिला के, जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी चीजें जो न्यूट्रिशन है या कोई पेस्टिसाइड, जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पत्ते के साथ चिपक जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, उसके बाद चाहे बारिश आओ चाहे हवा चलो, तो ये जो हमारा एक किस्म से ट्रेवल कराता है दूसरी चीजों को, तो पत्ते के ऊपर जो हमें चाहिए कि भाई कोई रोग ना आए, तो उसके साथ हमें क्या करना है, जो भी चीज आप रोग से संबंधित, जैसे हमने क्वच 24 डाल रहे हैं, उसके साथ हमने अगर 85 मिला दिया तो ये उसको बनाए रखेगा, बहुत शानदार। अब दूसरे पे बताइए। नेक्स्ट है क्रॉप बूस्टर, हम इंग्लिश में क्या होता है, जिसका रूट अच्छा होता है उसका फ्रूट अच्छा होता है, तो रूट को अच्छा करने के लिए क्रॉप बूस्टर के बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्रॉप बूस्टर देने के बाद जो हम लोगों का जो मेन रूट है और उसका साथ साथ साइड रूट है, उसको बहुत सारे स्प्रेड करता है और बढ़ाता भी है। अगर पौधा को जो पीला पीला पड़ जाता है, पीला को कटाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए क्रॉप बूस्टर और ग्रोथ करने के लिए क्रॉप बूस्टर बहुत जरूरी है सर। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत जबरदस्त आपने इसके बारे में बताया। उसके साथ साथ जो है प्लांट प्रोमोटर के बारे में थोड़ा बताएंगे, जैसे प्लांट प्रोमोटर में पूरा फॉस्फोरस भरा हुआ है। फॉस्फोरस क्या काम करता है, फॉस्फोरस ब्लॉसम का काम करता है, मतलब फूल को खिलने में बहुत मदद करता है, फूल को लाने में काम करता है। बहुत सारे पौधा होता है जिसका फूल झड़ जाता है, उसको फूल झड़ने के रोकता है, उसको साथ साथ फल को भी बढ़ाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हम प्लांट प्रोमोटर में। और नेक्स्ट हम बताएंगे छोटा है कवच में, कवच सब सचमुच में कवच है, 24 प्रोटेक्शन करता है। जैसे क्या है, जैसे फंगस होता है, फंगिसाइड का बहुत काम करता है, मतलब फंगस को तो बहुत सारे रूप होता है, जैसे छोटा छोटा पौधा होता है उसको बचाने के लिए पहला जो डोज है, जैसे बच्चा हो गया पोलियो डोज देने के लिए हम लोग जाते थे, तो जस्ट अगर पौधा दो तीन पत्ता चार पत्ता हुआ ना, उसको 85 के साथ कवच मिला के एक बार देना चाहिए, उसको फंगस नहीं लगे। और उसको साथ साथ बहुत सारे क्लोव ऑयल है, इतना अच्छा खुशबू होता है और जो है मतलब हम लोगों का सेहत के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, उसको साथ साथ वो विटामिन का भी काम करता है। क्वच 24 जो है वो जो है केमिकल नहीं है ना, उसको आपने डाल दिया किसी कारण से, धोए भी अगर यूज किया तो भी उसका नुकसान नहीं होता है, ये चीज एक चीज ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे आपको ये तो मिल जाएंगी, दवा मिल जाएंगी, लेकिन वो बहुत सारे बहुत सारे है जो है बहुत सारे केमिकल चीज है, बहुत हानि करता है शरीर के लिए। एक कवच पूरा हम लोग का चार प्रोडक्ट है, बहुत सारे ऑर्गेनिक है, बहुत बढ़िया। प्लांट प्रमोटर आपने बता दिया, तो प्लांट प्रमोटर एक तो फूल जिनके झड़ते हैं वो लोग यूज करें, मतलब जितने भी पौधे हैं ना सब्जी वर्ग वाले जितने भी पौधे हैं या फल हैं उसके अंदर,
कि फूल झड़ जाते हैं तो उसमें यूज करें। फूल अगर आप इसको यूज करेंगे तो बड़ी भी साइज होती है, फूल की साइज बढ़ जाती है और फल की भी साइज बढ़ जाती है, इसको हमें ध्यान रखना। और क्रॉप बूस्टर जो है वो सारी फसलों का ग्रोथ के लिए काम करता है, ज्यादा प्लांट निकलेंगे। और क्रॉप बूस्टर जो है वो समुद्र के अंदर जो सी वीड है उसकी खाद है, मतलब समुद्र की शैवाल जो जमती है उसको निकाल के जो है इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त नॉलेज। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, MD रफीक आलम आइए। रफीक जी। जी सर, मैं एक प्रोडक्ट है आपका पेन रिलीफ बॉम्ब जी, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि मतलब वो साइनस में भी काम करते हैं, अगर उसको गर्म पानी में कुछ देकर अगर उसको कपड़ा ढक कर सांस लिया जाए तो उसको बहुत ज्यादा काम करते हैं। साइनस वाले व्यक्ति अगर साथ में उसको अगर स्टीम लेते हैं डाल के तो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है पेन रिलीफ बाम से। बहुत बढ़िया। एक एक बात बता दी, लेकिन ये सर्दी का पूरा सीजन चल रहा है तो उसके अंदर बहुत जबरदस्त रूप में काम करता है। बहुत शानदार सर। ममता मिस्त्री आइए। ममता मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। सर्दी के मौसम में आप काढ़ा तुलसी और चमन ब्रश एक घर में रह থাকলে আমাদের ভালো হয়, যেমন ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়াতা হে, বডি হিট রাখতে হে আর কাশি কো নিয়ন্ত্রণ করতে হে, আর পাওয়ার বডি কো পাওয়ার ভি দেতা হে কাঢ়া। ইসিলিয়ে এই তিনো চিজ মেরে ঘর মে হে, মে লেতে ভি হু। থ্যাংক ইউ স্যার। বড়িয়া ম্যাম, তো তিন কা কম্বিনেশন বাতা দিয়া, সর্দি কে লিয়ে, বচ্চোঁ কে লিয়ে ভি আচ্ছা হ্যায়, बड़ों के लिए भी अच्छा है, तुलसी काढ़ा और चवनप्राश। तो इनको अगर हम यूज करें, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं इसको किसको किसको कहाँ इस्तेमाल करें, तो कॉम्बिनेशन भी बता दिया साथ में कि ये सर्दी की जितनी भी प्रॉब्लम है उन सारियों में ये तीनों प्रोडक्ट को लेंगे तो बहुत अच्छे से काम करेगा। राजू शर्मा जी आइए एक बार। मैं बताऊं सर, डेंटागुन की जो सबकी आज की तारीख सबकी जरूरत है जी। डेंटागुन में लौंग, पीपल, नीम वगैरह काफी चीज डली है, सूरज डी वीडियो से बना हुआ है। तो इसका सबसे बेहतरीन रिजल्ट है पारिया, जिस किसी को पारिया में इतना बेहतरीन इसका रिजल्ट है। तुलसी और डेंटागुन को एक बूंद डाल के उसको किया जाए तो पारिया की बदबू, मुंह की पारिया बिल्कुल खत्म हो जाता है। और एक चीज मैंने और इसको यूज करके देखी है के डेंटाबून और नींबू का रस, जिस किसी के गुटके के दांत हो, कई सालों से जमे लोग डॉक्टर के पास पैसे देने जाते हैं और अपना केवल 60 रुपए वाला डेंटाबून के ऊपर एक बूंद नींबू की डालो और उसको 15 दिन कम से कम अच्छी तरीके सुबह शाम करो तो बिल्कुल गुटके के जो दांत है वो मैंने प्रैक्टिकल कर लिया है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, डॉक्टर के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया सर। तो आपने बता दिया पहरिया में जो है वो काम करता है हमारा डेंटाबून और तुलसी की एक बूंद डालने, और इसको लगातार अगर सुबह शाम करते हैं तो 15 दिन बाद जो है आपको इसका पूरा रिलीफ आ जाता है, फिर कंटिन्यू कर ले, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं, पेस्ट तो करना ही करना है। तुलसी अपने घर में दूसरे कामों के लिए, वो तो कितने ही चीजों पे काम करते, तो एक बूंद डाल के इसको कर ले। दूसरा आपने एक और प्रयोग बता दिया इसके साथ, डेंटाबून के साथ, कि भाई गुटखा, पहली बात तो मैं गुटखा खाने वालों को बोलूंगा कि छोड़ दीजिए, है ना, इससे ना तो आपको आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी ना आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है। तो गुटखा ये आपके लिए भी फायदेमंद नहीं है, परिवार के लिए भी नहीं है, फाइनेंशियली भी नहीं है, और मुंह में बदबू भी बहुत आती है, तो छोड़ दीजिए उसको। लेकिन उन्होंने बताया छोड़ने के बाद लोगों का जो है निशान नहीं जाता, तो एक नींबू का जो है आप क्या कर ले, डेंटा बूंद में मिला के जो है एक बूंद मिला ले, फिर डेंटा बूंद उसके कैसे ब्रश कर ले, तो पूरा का पूरा ये पूरा जो जो पूरा दांत के अंदर पूरा जमा हुआ है वो पूरा का पूरा प्लाक जो है वो निकल जाता है। बहुत शानदार। तो इसको भी लिख ले जो साथियों को लगता है कि इस प्रोडक्ट का यूज से हम लोग जो है क्या और कर सकते हैं। बहुत शानदार। नीलाद्री मैम आइए एक बार। नीलाद्री पटेल। अनम्यूट करिए मैम। क्लियर है सर? जी मैम बोलिए। जी सर, मैं अर्जुना के बारे में, शरीर में नस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो वो अर्जुना ले सकता है सर, क्योंकि हम बताते हैं लोगों को कि आपके शरीर में अगर नस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो एक ही रामबाण इलाज है और वो है अर्जुना।
का छाल, तो वो अर्जुन के छाल से बना हुआ हमारा अर्जुना बहुत ही बेहतरीन काम करता है सर, और ये ऑलरेडी मैं बहुत लोगों को दे चुकी हूँ और बहुत प्यार करता है। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त। तो नीलाद्री मैडम ने भी एक जो है अर्जुना कैप्सूल के बारे में अपनी बात रखी। दिनेश गुप्ता जी आइए जी, दिनेश जी, दिनेश कुमार गुप्ता जी। मैरिज चार्ज आयुर्वेदा, मॉर्निंग सर। जी सर, हम शिलाजीत के बारे में बताना चाहेंगे सर। जी, शिलाजीत जो है सर, उसमें 80 प्रकार का मिनरल्स का समायोजन है, मतलब अच्छा, उसमें अवेलेबल है, तो प्राकृतिक प्रदत्त प्रोडक्ट है सर। उसमें भी अपना मायरिचार्ज का जो शिलाजीत है वो तो 100% शुद्ध है जी। शिलाजीत में जो सबसे पहला हमने अट्रैक्टिव करने वाला तत्व है सर, फॉल्विक एसिड। फॉल्विक एसिड का भी जो उसमें मात्रा है, प्रचुर मात्रा 60% है। उसके बाद जो है, जैसे अभी ठंड का मौसम है सर, तो अभी जैसे हम लोगों को मालूम है कि शिलाजीत गर्म होता है, तो ये बाहरी मने जानकारी हुआ। अगर इस शिलाजीत के ताजगी को या इसके गुण को समझना है तो इस ठंड के मौसम में हम अपने जितने भी साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ठंड में एक बार उसका प्रयोग करके देखें। इंटरनल गर्मी का जो एहसास है वो हम लोगों को दिला देता है। हम इसका यूज कर रहे हैं, बहुत गुड फील महसूस हो रहा है सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। तो शिलाजीत जो है हमारी इम्यूनिटी को साथियों, मायरी चार्ज आ रहे द मॉर्निंग। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, सर ने बोला कि अभी सर ने बताया शिलाजीत के बारे में, बहुत बढ़िया। और शिलाजीत जिस तरीके से हमको यहाँ पर काम कर रहा है वो बहुत शानदार तरीके से आगे हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और मैं चाहूँगा, यहाँ पर मैं प्रमोद श्रीवास्तव जी को बुलाना चाहूँगा। प्रमोद जी आप आइए और आप जिस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर बताने वाले थे सर। जी मायरिचार्ज मॉर्निंग सर। मायरिचार्ज मॉर्निंग सर। सर मैं अर्जुना के बारे में बताना चाहता हूँ। जी, अर्जुना तो मैं खुद ले भी रहा हूँ और हार्ट ब्लॉकेज के लिए इतना जबरदस्त चीज है ये। इसके साथ साथ पाइस में भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। जी जी, इसके लिए भी दे रहा हूँ पेशेंट को मांगोल, तुलसी और अर्जुना लीफ 2000। और अर्जुना इतना बेहतर काम कर रहा है कि हर व्यक्ति को अर्जुना लेना चाहिए। हार्ट ब्लॉकेज को बिल्कुल क्लियर करके खोलता है और पाइल्स में जबरदस्त वर्क कर रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए प्रमोद जी ने बताया अर्जुना के बारे में और अर्जुना हार्ट ब्लॉकेज को ठीक करता है और इवन पाइल्स में भी ये बहुत शानदार इफेक्ट कर रहा है अर्जुना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रमोद जी। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार राखी मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा। राखी मैम, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। माय रिचार्ज, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा पूरा पूरा बॉडी में 20 अमीनो एसिड मिलकर हमारा जो प्रोटीन है उसको देती है, लेकिन हमारा बॉडी 11 अमीनो एसिड तो तैयार कर पाते हैं लेकिन नए अमीनो एसिड तो नहीं तैयार कर पाते हैं। इसी का अभाव हमारी बॉडी में हर दिन एवरी डे रह जाती है और इसी का अभाव हमारा जो न्यूट्रिवन वुमेन है, वुमेन प्रोटीन पाउडर, वो उसका अभाव को वो सप्लाई देती है। इसीलिए हमारा जो हम लोग जो भारतीय जो महिला है उसको सभी महिला को वुमेन प्रोटीन पाउडर हर दिन लेना चाहिए सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया राखी मैम, आपने न्यूट्रिवन वुमेन के बारे में बताया, कितना शानदार है। देखिए न्यूट्रिवन वुमेन हर घर में पहुंचना चाहिए क्योंकि लेडीज आज के दिन है जो अपने उनको प्रोटीन बहुत चाहिए। तो बहुत बढ़िया राखी मैडम, आपने न्यूट्रिबन वुमेन के बारे में बताया, बहुत शानदार। तो इधर सर आ चुके हैं। सर
थैंक यू किशोर जी। तो किशोर जी को ही हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एक बार किशोर जी से भी सुन भी लेते हैं हम लोग साथ में कि वो अपना क्या बताना चाहेंगे सर। जी सर, माय चैट मॉर्निंग सर। सर मैं बताना चाहूंगा सर, ट्री ट्री ऑयल बॉडी वॉश बहुत ही शानदार हमारा प्रोडक्ट है और ये तो मतलब एंटी फंगल है, पूरा एंटी बैक्टीरियल है। और इसको अगर मैं बोलता हूँ कि शरीर में अगर कहीं पे भी कुछ भी दाद खाज खुजली है, ये एक मिराकल के जैसे काम करता है। ये तो मेरा पर्सनल इफेक्ट है, मैंने घर पे भी इसको यूज कराया। साथ ही साथ ये मॉइस्चर से भरपूर है, तो अभी ठंड के मौसम में या नॉर्मल भी हम जब इसको यूज करते हैं, तो मैं जब इससे नहाता, मतलब पर्सनली मैं इसको रिकमेंड भी करता हूँ कि मैं जब इसको यूज करता हूँ, ये मतलब ऊपर से और कुछ हमको लगाने का दरकार नहीं है, अकेला ही हमारी बॉडी में इतना ज्यादा मॉइस्चर देता है। तो मैं ये दो चीजें बताने था सर। बहुत शानदार सर, टी ट्री ऑयल जो है बहुत सारे साथियों को, क्योंकि वो कुछ ही प्रोडक्ट के ऊपर जाके उस पर खत्म हो जाते हैं, जबकि हर घर की रिक्वायरमेंट, और खासकर कोस्टल एरिया में, क्योंकि किशोर जी उड़ीसा में रहते हैं, तो हमारा बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, फिर गुजरात हो गया, फिर हमारा तमिलनाडु, आंध्रा, गोवा, महाराष्ट्र, तो इन इन एरिया के लिए तो स्पेशल रूप में तुलसी बॉडी वॉश भी काम करता है। लेकिन टी ट्री ऑयल जो है वो जहाँ पे वेदर बदलते हैं बार बार, और सर्दी में बहुत शानदार काम करता है, आपने बताया कि जबरदस्त रूप में, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बहुत शानदार सर। तो आप बने रहिए किशोर जी हमारे साथ। रमेश जी आइए, रमेश कुशवाहा जी। मॉर्निंग सर। जी सर। जी सर, मैं भेजी जूस और काढ़ा तो अपने पॉकेट में लेकर घूमता हूँ सर। अच्छा जी, और रही बात प्रेजेंट टाइम शिलाजीत, तो शिलाजीत का तो बहुत बढ़िया इफेक्ट है सर, कि एक कहीं भी हम लोग निकल रहे हैं फील्ड में, ठंड के एहसास होने नहीं देता है, सुबह और शाम हम इसको लेते रहते हैं। बहुत शानदार, तो इसकी खासियत क्या है, आप कुछ बता सकते हैं किसी को? आप पहले तो इम्यूनिटी बूस्टर है सर, और हमारे शरीर में गर्माहट हमेशा एहसास रहता है सर, ठंड का एहसास नहीं होने देता है सर, ठंड का एहसास नहीं होने देता शिलाजीत। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, गोविंद कुमार जी आइए, चलिए यूपी वालों को ही बुलाते हैं। मैं रिचार्ज आ रहा था। मॉर्निंग सर। जी सर। सर जैसे अभी स्वामी भाविक सर ने बताया ना सर एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, तो सर अभी मैंने खेती में सर यूज किया चारों का, चारों कॉम्बिनेशन करके। हाँ। तो सर आलू खेती में किया हूँ सर, लेकिन जो पड़ोसी का खेती है ना सर, जो हुआ आलू का, एकदम सर हरा भरा पूरा पड़ा है हमारा खेती। हाँ सर, मैंने गोभी और सर बैंगन, पड़ोसी का हरा भरा पड़ा है कि आपका हरा भरा पड़ा है? मेरा सर, उनके अपेक्षा पूरा। जी जी। अच्छा, तो बाकी सर गोभी में सर पहले से जो लोग लगाए हुए थे पौधा ना, उसमें अभी तक कोई नहीं है, लेकिन सर जब मैंने छिड़काव किया है तो उसमें सर पूरा फूल आ गया है फर्स्ट क्लास, और पौधा बहुत ग्रोथ में है, हरा भरा पूरा लगा हुआ है। तो ये सर बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। बाकी सर एक प्रोडक्ट अपना ग्लूकोसामाइन, ये सर पूरा कम्प्लीट सर जॉइंट पेन में, सर्वाइकल पेन में सर काम करता है, अगर किसी को स्वेलिंग हो गया है किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल विदाउट चोट का, तो उसपे बहुत अच्छा से काम करता है सर। और अगर किसी के फ्रैक्चर्स का चोट है या किसी को जो है इसे नॉर्मल है सर सीजन के अनुसार हो रहा है, तो उसमें बहुत तरीके से हमारे बोन्स के अंदर से कार्टिलेज का निर्माण करता है, तो फ्लेक्सिबल बना, तो बहुत अच्छा सर। दर्द तो जोड़ों के दर्द तो कोई ना कोई होते हैं, तो उसका स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हमारे यहाँ है ग्लूकोसामाइन। तो इसका इन्होंने गोविंद जी ने बताया कि जितने भी दर्द है या कोई फ्रैक्चर हो गया इस टाइप की कोई भी चीज है, तो उसमें ग्लूकोसामाइन हम रेकमेंड कर सकते हैं, उसके बहुत शानदार रिजल्ट हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने खेत का जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज करके बता दिया है करके, तो पड़ोसी को भी यूज कराइए भाई, पड़ोसी से कंपटीशन नहीं करना है। माई गोड माई रिचार्ज भाई अपने, चलो मैं आपको करता हूँ अनम्यूट। जी सर। माय नेम इज विष्णुपद सरकार सर, फ्रॉम दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। जी सर बताइए। सर मैं तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू के ऊपर बोलूंगा सर, एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस सीजन में बहुत अच्छा काम दे रहा है, देगा तो मैं भी यूज करता हूँ और सबको भी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करता है, जिसका डेंड्रफ है ना वो तुरंत भाग जाता है सर। बहुत शानदार, एंटी डेंड्रफ शैम्पू जो है वो सर्दी में उसकी रिक्वायरमेंट वैसे भी बढ़ जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है डेंड्रफ होने लग जाता है, तो हमारा जो एंटी डेंड्रफ शैम्पू जो है उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है 100% रिजल्ट इसके मिलते हैं, बहुत जबरदस्त। तो जिन लोगों को डेंड्रफ से परेशान है तो एंटी डेंड्रफ शैम्पू जो है यूज करें। थैंक यू विष्णु जी, बहुत शानदार। और आगे बढ़ते हैं, नंद किशोर जी आइए, नंद किशोर पटेल। मैं रिचार्ज आयुर्वेदा। मॉर्निंग सर। जी सर। सर मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से हूं और अभी न्यू ज्वाइनी है इसी महीने डायमंड क्लब से। जी। अभी सर हमारे
पास कुरियर के माध्यम से, गोविंद सर के माध्यम से हमें प्रोडक्ट मिला है, और जस्ट प्रोडक्ट कल ही मिला है सर, और कल ही हमने यूज किया है सर, इम्यूनिट ह्यूमन रिचार्ज काढ़ा जी। काढ़ा सर एक्चुअली क्या है, सर्दी खांसी के मौसम में बहुत काम करता है, और इसमें जो वायरल संक्रमण है इस समय उससे सुरक्षा करता है सर, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब एक बहुत ही अच्छा काढ़ा है। और ये ज्यादा तो उसको नहीं, मैं दो ही खुराक अभी लिया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है सर, अन्य जो बाजार में उपलब्ध काढ़ा है उससे बहुत अच्छा है सर, बहुत हाँ, अच्छा। रेडीमेड तो मिलेगा ही नहीं ऐसा कोई काढ़ा जो है, रेडीमेड कितना भी बाजार में आपको मिलेगा नहीं, एक मिनट में बन जाता है ना, बाकी तो बहुत सारी चीजों पे काम करता है, लेकिन खर्चा बहुत कम आता है इसमें, और टेस्ट बहुत शानदार आता है, पीने के बाद फीलिंग बहुत जबरदस्त आती है, बाकी तो सब चीजों पे काम करता है ये, सर्दी जुकाम बुखार सब चीजों पे, बहुत शानदार सर, ऐसे ही आते रहिए बताते रहिए। बीना मैडम आइए एक बार, बीना सानी। मारिता जी गुड मॉर्निंग सर, मैं एलोवेरा कैप्सूल के बारे में बताऊंगी। तो एलोवेरा कैप्सूल जो है हमारा, जितने सारे हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सब पर काम करता है, हमें यंग और जवान बनाए रखता है, कब्ज को भी ठीक करता है, पाइल्स की समस्या में भी कारगर है, और सर हमारे शरीर में जो विटामिन B12 की कमी होती है तो लिप 2000 के साथ मांगुर लेने से इसकी कमी पूरी हो जाती है सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार मैम, तो B12 की बहुत लोगों में कमी होती है, तो मैडम ने एक स्पेशल रूप में बता दिया कि भाई B12 की जिनको कमी है उनको हमें क्या देना है, एलोवेरा कैप्सूल देना है, इसको ध्यान रखना है ना, मांगुर में भी B12 होता है लेकिन एलोवेरा में B12 होता है, इसको हमको ध्यान रखना है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन की जिनको प्रॉब्लम, उसमें जैसे त्रिफला देते हैं तो उसमें जो है हमारे को, हमारा एलोवेरा भी बहुत शानदार ढंग से काम करता है, और जिनको खून की कमी होती है उसमें भी हम लोग दे सकते हैं, तो बहुत शानदार बहुत जबरदस्त। तो दो दो तीन तीन चीजें भी हम एक प्रोडक्ट की सीखते जाएंगे तो करते जाएंगे, और ये फटफट फट जो लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग पैसा भी कमा रहे हैं क्योंकि ये सीख के उससे जो है आगे बढ़ रहे हैं। अशोक कुमार जी आइए एक बार, अशोक कुमार। ये तो इधर इधर चले, अलाउद्दीन जी आइए एक बार, अलाउद्दीन जी। मॉर्निंग सर। जी सर। सर मेरे घर से जो है ना कि थायराइड के मरीज है, और अपने मांगोल वगैरह देते के साथ साथ जो है ना कि मैंने अभी देखा कि उनकी जरा 2-3 दिन पहले तबीयत जो है बहुत ज्यादा जो है खराब हो गई, वो हाफने लग गई, तो मैंने तो जो है अर्जुना 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 यानी कि शाम को, तो एक ही दिन के अंदर उनकी हाफनी जो है बंद हो गई, यानी जो हाफ रही थी इतनी ज्यादा तो वो बंद हो गया। तो मुझे तो जिनको बहुत हाफनी अगर होती है तो उनमें आप बोल रहे हैं कि अर्जुना कैप्सूल देने से फायदा होता है, हाफनी जिनको। सिर्फ मैं अर्जुना के बारे में बता रहा हूँ, बाकी दूसरी चीजें तो मैं ले ही रहे हैं हमारे घर में सभी लोग, और बाकी अर्जुना को मैंने कमाल देख लिया ये कि 10 मिनट के बाद ही उनको जो है तकलीफ जो है दूर होने शुरू हो गई थी। बहुत अर्जुना की बहुत सारी खासियत है, लेकिन अगर किसी को हाफनी आ रही है उसमें हम इसको रेकमेंड कर सकते हैं, बहुत शानदार। देवकांता मैम आइए एक बार, देवकांता बात, अनम्यूट करो मैम। बोलिए मैम, हो गया। मैं विटामिन के बारे में बात कर रही हूँ, विटामिन लेना होगा हम सभी को, क्लांति और घुटनों को जो दर्द है, और जिसको बाल झड़ रहे हैं उन सभी के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। अगर विटामिन सी रेगुलर यूज करेंगे तो ये सब समस्या से वो दूर हो जाएंगे। बहुत शानदार मैम, बहुत जबरदस्त। विटामिन सी के बारे में आपको, हम सबको पता है कि हमारा शरीर न तो इसको बनाता ना स्टोर करता है, तो कहाँ से लाएं, रोजाना लेना पड़ेगा। लेना क्यों है कि शरीर का हमारे हर हिस्से को विटामिन सी चाहिए, बालों को विटामिन सी चाहिए, दांतों को विटामिन सी चाहिए, आंखों को विटामिन सी चाहिए, हमारी हड्डियों को विटामिन सी चाहिए। अगर विटामिन सी नहीं होगी ना तो जिंक, विटामिन सी और जिंक नहीं होगा तो कैल्शियम हमारी हड्डियों तक जाएगा ही नहीं, उनको ले जाने का काम कौन करता है, विटामिन सी करता है। तो विटामिन सी की एक टेबलेट, इसलिए हम बोलते हैं कि एक टेबलेट छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक रोजाना एक टेबलेट ले लेनी, ये कोई बीमारी के लिए नहीं है, ये हमें और बेटर स्वस्थ बनाए रखने के लिए है ना, कोलेजन अच्छा बन जाएगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त मैम, देवकांता मैम आपने बहुत ही एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जो है बात किया है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा मैम आइए एक बार,
मॉर्निंग सर। जी मैम। हमारे सारे प्रोडक्ट जितने भी बोले हम लोग उतना ही कम है। एक मुरझाया हुआ इंसान को सूरज की रोशनी की तरह चमका देते हैं सारे प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं च्यवनप्राश के बारे में बोलना चाहूंगी। च्यवनप्राश अगर किसी के घर में बूढ़े बुजुर्ग है और बच्चे हैं तो उनको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो हम लोग अगर एक चम्मच उनको च्यवनप्राश देते हैं तो इंस्टेंट उनका ठंड रोकना बंद हो जाता है। ये बहुत मतलब इंस्टेंट रिजल्ट है सर। तो ये आपने च्यवनप्राश का बता दिया कि ठंडी से बच्चे अगर परेशान है तो उनको, और छोटे बच्चे तो फिर चोर हो जाते हैं, एकदम चुरा चुरा के खाने लग जाते हैं, ऐसे जिद करने लग जाते हैं। शिलाजीत में इतना मजा है इसको, तो आपको खुश होना चाहिए। बच्चा अगर ऐसे खा रहा है तो उसको हमें खाने देना है, क्योंकि फिर वो बीमार नहीं पड़ेगा इससे, है ना। तो चैम्स के साथ हम लोग जो है शिलाजीत को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे साथी अपनी बात बताना चाहते हैं लेकिन टाइम हमें अलाउड नहीं करता। नए साथियों को मैं बोलूंगा, बहुत सारे साथियों ने अपने हैंड रेज किए हैं, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है कि हम वीडियो को ऐसे वाइड रखें, और आते रहो, आपको भी मौका मिलेगा यहाँ पर। तो आज की सेशन को तो हम लोग खत्म करेंगे यहाँ पर, और हमारा एक चीज को हम खत्म नहीं करेंगे, वो है सो द प्लान सो द प्रोडक्ट। उसको हम लोग कंटिन्यू जो है लगातार आज भी फील्ड में करेंगे। मैं अपने साथियों के नाम पढ़ना चाहता हूँ जिन साथियों को हम नहीं दे पाए हैं उसमें। तो एक तो नाम लिखना सीखो भाई, Realme 10 Pro तो नाम नहीं होता है इंडिया में ऐसा, तो अपना नाम लिखा करो, ठीक कर लो उसको। उषा सो, बसंत कुमार सिवान, फिर ये मोबी स्टार C2 आ गए भाई, ये भी नाम कुछ अलग है। अशोक कुमार, शिवानी भट्टाचार्य, इसके अलावा जो है विचित्रानंद जेना, फिर कनिका खान, सुल्तान मौला, सुरेश सैनी, एस के सरकार। तो ऐसे बहुत सारे साथियों ने जो है, पिंटू बेरा, यूसुफ अली, रमेश कुमार गोंड, अजीत कुमार और सावित्री सिंह, बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज करके आज बताना चाहते थे कि प्रोडक्ट के बारे में हमें भी नॉलेज है सर, लेकिन टाइम ने हमारा साथ नहीं दिया, टाइम पूरा हो गया है हमारा। तो आपको अगली बार फिर हम लेंगे, और आज का ये तो सेशन तो बहुत ही शानदार रहा, तो हम दोबारा भी ये सेशन जो है करने की कोशिश करेंगे। आज की मीटिंग को होस्ट किया दीप्ति मैडम ने, को होस्ट हमारे साथ थे रबिन मंडल जी, और सबसे शानदार ढंग से जो है किशोर शर्मा जी ने जो है, एक और हमारे को होस्ट जिसको जो बीच में जो थोड़ा इश्यू आया तो इसमें चलाने में मदद की। तो जो हमारे होस्ट और को होस्ट, उनका काम ही, उनको पता है कि जब भी ऐसा कुछ इश्यू होगा तो हमको मीटिंग को जो है कंटिन्यू कर लेना है। तो आप सारे साथियों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से भी ज्यादातर साथी जो है ये कैपेबिलिटी दर्ज करेंगे कि आपको भी कंपनी होस्ट और को होस्ट बनाने का मौका दें। तो उसके लिए बोलना शुरू करिए मीटिंग में, है ना। बोलेंगे तो अचीवमेंट होंगे, अचीवमेंट होंगे तो कंपनी आपको एक दिन जो है इस मीटिंग को चलाने का मौका देगी। तो ऐसे ही जो है ये होगा फील्ड में जाने से, फील्ड में जाते रहिए, सो द प्लान सो द प्रोडक्ट करते रहिए, और हम लोग कल सुबह एक शानदार सेशन में मुलाकात करेंगे। जय मायरी चार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय एकी।